हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है स्वर्णिम पाठक। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया में जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, हाईएस्ट पेइंग करियर्स हैं, ऐसे 10 कैरियर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ये करियर हैं, इनमें एंट्री लेवल में कितनी सैलरी मिलती है, इसमें मिडिल लेवल पर कितनी सैलरी मिलती है, उसमें टॉप लेवल पर कितनी सैलरी मिलती है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊँगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम करियर चूज़ करते हैं बचपन में या थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा जो टैलेंट है वो इस जगह पर है, तो चलिए यहाँ पर ही मुझे जाना चाहिए। जैसे कई लोग सोचते हैं कि उनको पायलट बनना है तो वो पायलट बनने के लिए चले जाते हैं, कई लोग जो है उनको इंजीनियरिंग पसंद है, उनको कंप्यूटर साइंस पसंद है तो वो कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं। इसी तरीके से कई लोगों को डॉक्टर बनना होता है, उनको हमेशा लोगों को इलाज करने में, लोगों की सेवा करने में मज़ा आता है, तो वो डॉक्टर बनने की ठान लेते हैं। लेकिन अंत में एक चीज़ जो सब जगह मैटर करनी चाहिए और जिस चीज़ के बेसिस में हमको अपना डिसीजन लेना चाहिए, वो ये है कि इस करियर को लेने के बाद, इस एजुकेशन को लेने के बाद कितनी सैलरी मुझे इससे मिल सकती है। क्योंकि देखिए, घर चलाने के लिए सैलरी ज़रूरी होती है। करियर जो है वो लें जहाँ पर आपका दिल है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो करियर आपको आपके घर चलाने लायक पैसे ज़रूर दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं आज के इस वीडियो में किसी क्रिएटिव फील्ड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं मेन स्ट्रीम जो करियर होते हैं, जिसको इंडिया के 80-90% लोग फॉलो करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा और वहाँ पर बताऊँगा कि बेस्ट पेइंग, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन से हैं। मैं उन 10% या उन 5% करियर चॉइसेस के बारे में बात नहीं करूँगा जिसको बहुत कम लोग परस्यू करते हैं, जहाँ पर बचपन से नेचुरल टैलेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि स्पोर्ट्समैन, देखिए स्पोर्ट्समैन आप बन सकते हैं, इसके लिए आपके अंदर फिजिकली वो एबिलिटी पहले से होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है सक्सेस की जो चांसेस होते हैं बहुत कम है। देखिए विराट कोहली आज काफ़ी सारे पैसे शायद कमा रहा हो, लेकिन कितने विराट कोहली इस देश में है। तो इसलिए मैं बात करने वाला हूं उन मेन स्ट्रीम कैरियर्स की, जिसको 90-95% इंडियंस जो है फॉलो कर सकते हैं, और अगर वो इन कैरियर्स में जाएंगे तो इस लेवल की इनकम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला करियर है वो है मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। मैनेजर्स हर ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो भी काम आया है वो बिल्कुल जिस तरीके से करा जाना है उस तरीके से किया जा रहा है, वो मॉनिटर करते हैं कि जो क्वालिटी जानी चाहिए काम की वही जा रही है, वो इंश्योर करते हैं कि हर इंसान के पास काम है, जिसको भी काम करने की ज़रूरत है वो काम कर रहा है, और वो ये देखते हैं कि जो भी काम है उसको कैसे बेस्ट तरीके से मैनेज किया जा सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। तो मैनेजर बनने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? देखिए, मैनेजर तो आप एक्सपीरियंस से ही बन सकते हैं, लेकिन आज की दुनिया में, आज के टाइम पे मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम एक MBA की डिग्री चाहिए होती है। तो मैनेजर के लिए अगर मैं एक एंट्री लेवल मैनेजर की बात करूँ तो उसकी सैलरी कहीं 3 लाख के आसपास होती है एंट्री लेवल मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए, और अगर एक मिड लेवल मैनेजर की बात करूँ जिसके पास 5-10 लोगों की टीम होती है तो उसकी सैलरी करीबन 12-15 लाख के आसपास की होती है, और अगर मैं एक सीनियर मैनेजर की बात करूं जो बहुत सीनियर पोजीशन में ज्वाइन करते हैं, जो कंपनी में सिर्फ मेन डिसीजंस लेते हैं, उनकी सैलरी तो 80 लाख से ऊपर शुरू होती है। जो दूसरे नंबर का करियर है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, वो आपका पैसा लेता है, जनरल पब्लिक का पैसा लेता है, या बड़ी बड़ी कंपनीज़ का पैसा लेता है, और उन कंपनीज़ का पैसा ले करके वो उसको लगाता है शेयर मार्केट में या अलग अलग टाइप के फंड्स पे, और उनसे वो पैसा कमाता है, और ये जो पैसा कमाता है इसमें जितना भी कमीशन होता है वो उसकी अर्निंग होती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फर्म्स हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं वो जॉब पा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए बेसिकली नंबर क्रंचिंग में हाथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी MBA स्टूडेंट्स होते हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं, CA के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड पे। और इन्वेस्टमेंट बैंकर जो हैं ये स्टार्टिंग लेवल पे ही इनकी सैलरी करीबन 12-13 लाख रुपये होती है, और मिड लेवल में इनकी सैलरी करीबन 30 लाख के आसपास होती है, और अबव लेवल में यानी सीनियर लेवल में इनकी सैलरी 50 लाख से ऊपर होती है, लेकिन इनके इंसेंटिव्स तो करोड़ों रुपए में जाते हैं। जो तीसरा करियर है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यानी कि CA का। और CA बनने के लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि एक सेपरेट कोर्स होता है जिसको आपको करना होता है अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ, उसके बाद आपको कुछ इंटर्नशिप करनी होती है, उसके बाद आपको एक
सीए का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है, लेकिन सीए बनने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि सीए में हमेशा एक परसेंटाइल लॉ लगता है, तो जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके कुछ ही परसेंट लोग जो है वो पास होते हैं, उनको रैंकिंग मिलती है और वो ग्रेजुएट होते हैं। तो सीए में जो एंट्री लेवल सैलरी होती है वो करीबन 5 लाख के आसपास होती है। एक मिड लेवल सीए किसी कंपनी में अगर काम करता है तो उसकी सैलरी करीबन 12 से 13 लाख रुपए के आसपास होती है 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी 30 से 40 लाख से ऊपर होती है। उसके बाद दोस्तों जो चौथा सेक्टर है जहाँ पर बहुत हाई सैलरी मिलती है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर। यहाँ पर एंट्री लेवल में ही 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी मिलती है, बट इस सेक्टर में जो लोग होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि उनको जहाँ ऑयल मिला होता है वहाँ जाना होता है, कई बार इनको कई कई महीनों तक समंदर में रहना होता है अपनी फैमिली से दूर, लेकिन एंट्री लेवल सैलरी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, लॉन्ग रन में भी इनकी सैलरीज काफ़ी बढ़िया रहती है। दोस्तों जो पाँचवा करियर ऑप्शन है वो है बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है? बिजनेस एनालिस्ट नॉर्मली आपके जो भी बिजनेस होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं जैसे कि प्रॉफिट लॉस सेल्स, ये सारे नंबर्स को वो अंडरस्टैंड करता है और इन नंबर्स को क्रंच करके वो मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स बनाता है, हर किसी को बताता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारा काम बिजनेस एनालिस्ट के कंधे पर आता है। तो बिजनेस एनालिस्ट आजकल हर कंपनी में होते हैं और बिजनेस एनालिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है करीबन 5 से 6 लाख रुपए पर ईयर के आसपास होती है, लेकिन हाई लेवल पे अगर सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो इनकी सैलरी 20 से 25 लाख रुपए पर ईयर तक हो सकती है। दोस्तों जो छठे नंबर पे हाई पेइंग करियर आते हैं वो होते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स के या डॉक्टर्स के। तो ये जो मेडिसिनल प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी जो एंट्री लेवल सैलरी होती है वो 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर के आसपास होती है। एक मिड लेवल अगर एक सर्जन है तो उसकी सैलरी 12 से 13 लाख के आसपास होती है, और एक सीनियर सर्जन की सैलरी तो 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास भी हो सकती है। दोस्तों जो अगला करियर है वो है एविएशन सेक्टर पे, यानी कि पायलट की जॉब पे। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको पायलट बनने के लिए भी बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक बार पायलट बन गए तो जो एंट्री लेवल सैलरी होती है कमर्शियल पायलट की वो शुरू होती है 20 से 22 लाख से, और सीनियर पायलट्स की ये सैलरी 50 से 60 लाख रुपये पर ईयर तक जा सकती है। दोस्तों जो अगला करियर है वो है लॉयर्स का। देखिए आज के ज़माने में लॉयर का जॉब सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं रह गया है, सिर्फ सरकारी लॉयर बनना या प्राइवेट लॉयर बनने तक ही सीमित नहीं रह गया है। आजकल लॉयर्स की ज़रूरत होती है, लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो कि लीगल एडवाइस देती है। तो अगर आप एक लॉ प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए करियर ऑप्शंस ओपन हैं इन लॉ फर्म्स में, जहां पर एंट्री लेवल सैलरी ही शुरू होती है 5 से 6 लाख रुपए से, और सीनियर लेवल पे ये सैलरी जा सकती है 40 से 50 लाख रुपए पर साल तक। दोस्तों जो अगला करियर है वो है आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे कि एक सबसे इमर्जिंग करियर है, सबसे ज़्यादा लोग इसी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री लेवल जो सैलरी होती है वो होती है 3 लाख 3.25 लाख रुपए पर साल, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर तक बढ़ा दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप एक सीनियर प्रोफेशनल हैं तो आपकी सैलरी 30 से 40 लाख रुपए पर साल भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात आईटी सेक्टर में दोस्तों ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है ऑन साइट जाने का, यानी कि अमेरिका या ऐसी किसी बड़ी देश में जाके काम करने का, और अगर आप ऑन साइट जाते हैं तो आपकी सैलरी 50 से 60 लाख रुपए पर साल तक हो सकती है कम से कम। दोस्तों जो आखिरी करियर है जिसको मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है इंडिया में, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग का करियर। देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग में जब आप एंटर करते हैं तो आप बहुत कम सैलरी में एंटर करेंगे अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं जिसने मार्केटिंग शुरू करी है, लेकिन ये फील्ड प्योरली आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप इस फील्ड में कितना भी पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कई सारे सेल्स एंड मार्केटिंग के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जब वो एंटर करते हैं तो उनकी सैलरी सिर्फ 1.5 लाख रुपये साल होती है, लेकिन वो इतना अच्छा काम करते हैं। और सेल्स एंड मार्केटिंग में एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर इंसेंटिव होता है, हर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी आपको इंसेंटिव देती है, और कई जगह इंसेंटिव आपकी सैलरी से भी ज़्यादा होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है तो वो बोलेगी कि आपकी सैलरी तो सिर्फ 1.5 लाख रुपये साल है, लेकिन आप अगर महीने में 10 लाख रुपये की सेल करते हैं तो हम आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पर मंथ दे देंगे, क्योंकि आप 10 लाख की सेल कंपनी के लिए ला रहे हो तो उनको क्या है, उनको जितना ही प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ परसेंट आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके से कई सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनियों की इंसेंटिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई सारे मार्केटिंग के प्रोफेशनल जो 7-8 साल
काम कर चुके हैं, जिनकी सैलरी शायद 10-15 लाख रुपए पहुंचती है, लेकिन उनके इंसेंटिव साल के करोड़ों रुपए में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, जिसको 90-95% इंडियंस फॉलो कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से इन जॉब्स को पा सकते हैं, अगर आपके अंदर राइट स्किल्स है और राइट एजुकेशन है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है, तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूं और अपने अगले वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर करूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, जहाँ पर मैं आपको आपके करियर के बारे में गाइड करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं।